आप देख रहे हैं UMH News। यूपी के बस्ती जनपद के रुधौली विधानसभा की बुद्धि बाजार में शनिवार को हुई जनसभा। जनसभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा रहे। रुधौली विधानसभा के प्रत्याशी अशोक मिश्रा सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता सतीश मिश्रा ने सभी को किया संबोधित। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने भाजपा और सपा पर साधा निशाना। सतीश मिश्रा ने योगी सरकार को बताया ब्राह्मण विरोधी। उन्होंने कहा कि लगातार योगी सरकार ब्राह्मणों के ऊपर कर रही उत्पीड़न। जनसभा में महिलाओं सहित हजारों संख्या में लोग रहे उपस्थित। जनसभा में जय भीम जय परशुराम के लगे नारे। 309 रुधौली विधानसभा के प्रत्याशी अशोक मिश्रा ने कहा कि मायावती जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि वह उम्मीद है जो समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों की सेवा करती हैं। मिश्रा ने कहा कि अंबेडकर वो नायक हैं जो बच्चे युवा और बुजुर्ग सबको प्यार करते थे और उनके चहेते अंबेडकर को देवता की तरह पूजते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी अशोक मिश्रा ने कहा कि इस कड़ी धूप में हजारों की संख्या में बैठे हुए लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रुधौली की जनता ने ठाना है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। सर, यहाँ देखा जा रहा है कई आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, एक तो सत्ता पक्ष के हैं और जो दूसरे हैं वो यहाँ के रजवाड़ा परिवार से हैं और जो तीसरे हैं वो यहाँ कई बार MLA रह चुके हैं। ऐसे में लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम तो अपने आप में ये देख रहे हैं लड़ाई है ही नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं जो रुधौली विधानसभा की जनता है, जितना उत्साह है उनमें, तो हम नहीं लग रहा है कि वो लोग लड़ाई में कहीं हैं। पूर्व में आप भी BJP में थे, ऐसे में क्या कारण रहा कि आपको बसपा में आना पड़ा? जिस तरह से लूट घसोट BJP में था, भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको देखते हुए मैं BJP छोड़ करके बसपा में आया। बातें तो ऐसी सुनने में आई कि BJP वालों ने आपका भी उत्पीड़न किया। क्या चीज? आपका भी उत्पीड़न किया? नहीं, उत्पीड़न का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे अपने आप को एक बहुत उसमें महसूस किया, क्योंकि वहाँ जिस तरह से लूट घसूट और असूली का चल रहा है, उस खेल में मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। मिश्रा जी के आने के बाद क्या जनाधार में बढ़ोतरी हो गया? जनाधार वैसे ही बढ़ा हुआ। मिश्रा जी के आने के बाद में हमको लगता है इसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा, खास करके हमारे ब्राह्मण समुदाय में। सारे हथकंडे लोन चला लिए, हर तरह की बातें, हर तरह के भ्रम फैलाने का काम करने का कर लिया, आपस में एक दूसरे को दिखाने का काम किया, लड़ रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये देख लिया कि वहाँ तो कुछ और है जमीन ही हकीकत की, बहुजन समाज पार्टी एक तरफा आगे बढ़ती जा रही है और ये दोनों मिल करके भी बहुजन समाज पार्टी से नहीं लड़ पा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अग्रसर है बहुजन समाज पार्टी की, तो अब इस तरह से कभी किसी को कुछ और करें निकालने, ये तो उनका उनकी सोचने की बात है, लेकिन कुछ भी कर लें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बुलडोजर बाबा अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको मन से बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, क्या संत के लिए शोभनीय शब्द है? देखिए, ऐसा ना कि वो खुद अपने को कहते हैं मैं ये हूँ, और ये बुलडोजर तो आपको मालूम ही है, अब तो आपने देख लिया चार जगह वोट पड़ गया तो बुलडोजर भी देख लिया आपने। बुलडोजर की चाबी और बुलडोजर का स्टीयरिंग दोनों जनता ने अपने हाथ में ले लिया और ले करके उन्होंने उल्टा घुमा दिया और घुमा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बुलडोज करने का काम आज यहाँ की जनता मिल करके, सर्वजन की जनता मिल करके और करने का काम कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके बहन मायती जी को 5,000 प्रो बहुमत की सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक तरफा वोट दे रही है। देश व प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल UMH News को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, एवं UMH News पर विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 9528413080 पर।